दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो पानी के अंदर पैदा होती है। ये चीज आपके वजन और मोटापे की समस्या को आसानी से कम कर सकती है तथा कमजोरी, खून की कमी, आंखों की समस्याएं, गिरते बाल, कमजोर हड्डियां, चेहरे तथा त्वचा से जुड़ी समस्याओं से आपको आसानी से छुटकारा दिला सकती है। इस चीज को कमल ककड़ी के नाम से जाना जाता है। इसमें अनेकों प्रकार के पोषक तत्व और विटामिन्स पाए जाते हैं। इस चीज का इस्तेमाल देसी नुस्खे और आयुर्वेदिक दवाओं में भी किया जाता है। तो आइए कमल ककड़ी के कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानते हैं। नंबर एक, कमल ककड़ी आपको मोटापे की समस्या से छुटकारा दिला सकती है। अगर आप अपने मोटापे और चर्बी की समस्या को लेकर काफ़ी परेशान हैं, तो फिर आपको इसे अपने भोजन में जरूर शामिल कर लेना चाहिए। नंबर दो, कमल ककड़ी को शरीर में खून बनाने वाली मशीन कहा जाता है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो रोजाना कमल ककड़ी का सेवन करके आप इस कमी को आसानी से पूरा कर सकती हैं। नंबर तीन, शरीर में कैल्शियम की कमी और इम्यून सिस्टम कमजोर होने पर हड्डियां कमजोर हो जाती है। रोजाना कमल ककड़ी का सेवन आपके इम्यून सिस्टम और हड्डियों को मजबूत बनाता है। नंबर चार, शरीर में आयरन की कमी होने पर आंखें समय से पहले ही कमजोर हो जाती है और बाल तेजी से गिरने लगते हैं। कमल ककड़ी में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो आपको इन दोनों समस्याओं से बचा सकता है। नंबर पाँच, कमल ककड़ी आपको त्वचा का रूखापन, झाइयाँ, झुर्रियाँ तथा त्वचा से जुड़ी तमाम तरह की समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। इसके लिए बस कुछ दिन तक कमल ककड़ी का पेस्ट बनाकर रोजाना अपने चेहरे पर लगाएं। कई बार लोगों को पेशाब उतरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कमल ककड़ी का रस निकालकर उसमें शक्कर मिलाकर पीना चाहिए। जल्दी ही पेशाब खुलकर लगने लगेगा। कमल ककड़ी का सेवन करने के लिए आप इसका अचार बनाकर खा सकते हैं, सब्जी भी बना सकते हैं अथवा इसके चिप्स या पकौड़े बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। क्योंकि ये पानी और ज़मीन के अंदर पैदा होती है, इसलिए इसे कच्चा खाने की गलती ना करें। कमल ककड़ी को हमेशा अच्छी तरह से पकाकर ही खाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर मार दें, शेयर भी करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।